हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा नाम अमन चंद्र। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास ऐसा ही कुछ एक्सीडेंट का वीडियो या फोटो है तो मेरे इस ईमेल आईडी पर मेल करें। तो आज हम बात करने वाले हैं एक्सीडेंट की, जो कि वह है टाटा नैनो और दो होंडा सिटी के बीच में। इसमें आगे की ओर एक होंडा सिटी रहता है, देन पीछे नैनो, देन उसके पीछे होंडा सिटी। तो आगे वाला होंडा सिटी ब्रेकर क्रॉस करते रहता है, देन उसके पीछे जो नैनो आते रहता है वो भी ब्रेक मारता है और अपनी स्पीड को कम करता है ब्रेकर क्रॉस करने के लिए। लेकिन जो उसके पीछे होंडा सिटी, वो शायद ब्रेक नहीं मार पाते या उनका ध्यान कहीं और रहता है, जिसके कारण वो जाके नैनो से टकरा जाता है। पीछे वाला होंडा सिटी नैनो से टकराता है और जो नैनो कुछ थोड़ा सा झटका खा के आगे की ओर जाता है, और उसके कारण जो आगे वाला होंडा सिटी है वो भी नैनो से टकरा है। उसके कारण आप देख सकते हैं उस पीछे वाले होंडा सिटी बम्पर टूट जाता है, बोनट बैंड हो जाता है। लेकिन गाड़ी के क्रम्पल जोन के कारण जो उसके ऊपर फोर्स लगता है वो पीछे की तरफ जा नहीं पाता, और उसके कारण गाड़ी का बस आगे ही आगे का ही पार्ट बस डैमेज। और नैनो की बात करें तो नैनो का बस इसमें आप देख सकते हैं कि बस उसका नंबर प्लेट ही डैमेज हुए रहता है। और दूसरे वाले होंडा सिटी की बात करें जिसमें जाके नैनो टकराता है, उस वाले होंडा सिटी की बात करें तो उसमें ट्रंक और बम्पर दोनों ही डैमेज हुए रहते हैं। उससे आप देख सकते हैं और सोच सकते हैं कि होंडा सिटी की बिल्ड क्वालिटी किस तरह है टाटा नैनो के मुकाबले। इस वीडियो में आप देख सकते हैं टाटा नैनो की बिल्ड क्वालिटी कितनी अच्छी है होंडा सिटी के मुकाबले, जिसमें 2 लाख की टाटा नैनो को इस छोटे से एक्सीडेंट में बस उसका नंबर प्लेट ही डैमेज हो रहता है, जबकि इतनी महंगी होंडा सिटी में कितना ज़्यादा नुकसान आया रहता है छोटे से एक्सीडेंट। होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सेफेस्ट कार फॉर इंडिया मिशन को सपोर्ट करें। धन्यवाद।